हेलो एवरीवन, वीडियो की इस पार्ट में जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ये टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये लगभग 90% इसके चांसेस बनते हैं कि आपके एग्जाम में ये अवश्य आएगा। ठीक, तो इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक और इत्मीनान से इसको पढ़ेंगे और वीडियो को समझने के बाद भी इसकी प्रैक्टिस आप अधिक बार कर लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर बनने वाला है जो भी हम अभी करने जा रहे हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो है बायो सेवर्ट नियम। बायो सेवर्ट नियम, इस नियम के अनुसार हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा हमारे पास, जो धारावाही चालक होगा, उसके किसी अवयव यानी एक छोटे से टुकड़े के हिस्से में कितना वैद्युत क्षेत्र मौजूद है यानी डीवी, बी की वैल्यू हम परिमाण ज्ञात करते हैं। ठीक, तो वो डीवी यानी जिसको हम बोल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, और वो डीवी जो हम निकालते हैं इसमें वो किसी जो भी हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, धारावाही चालक है, उसके किसी एक छोटे से टुकड़े का यानी जिसको हम बोल रहे हैं अवयव, उसका ज्ञात करते हैं। ठीक, इसी बायो सेवर्ट नियम को हम एक और नाम से जानते हैं, कभी कभार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए यही नियम कोई दूसरे नाम से आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं वैद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो जब भी वैद्युत धारा अवयव के लिए चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करने के लिए एग्जाम में आए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहां पे आपको बायो सेवर्ट नियम ही पूछा जा रहा है। अभी बायो सेवर्ट नियम क्या है, सबसे पहले तो आप कभी भी एग्जाम में आए तो उसके डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, आप उसको बताएंगे कि ये है क्या, और इसके बाद इसका आप डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे इसमें कि बायो सेवर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो भी अवयव में कोई धारावाही अवयव है हमारे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें जो भी क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो क्या होता है, वो अवयव में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब उस कंडक्टर में एक छोटे से अवयव में, छोटे से टुकड़े में जितना धारा फ्लो होगा, जितना धारा प्रवाहित होता है, वैद्युत क्षेत्र उसके समानुपाती होता है। दूसरी चीज, धारावाही अवयव की लंबाई के समानुपाती होती है। जो भी हमने धारावाही चालक लिया हुआ है उसकी जितनी लंबाई होगी, या तो इतना इतना जितना भी लंबाई होगा, उसके समानुपाती चुंबकीय क्षेत्र होता है। तीसरी चीज कि धारावाही अवयव की प्रेक्षण बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी एक हम उसमें प्रेक्षण बिंदु लेंगे जहां पे कि हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उस प्रेक्षण बिंदु से और जो धारावाही का अवयव होगा उसके बीच जितनी दूरी होगी उसके ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो इस बात का भी आप ध्यान देंगे, दूरी के वर्ग के, मतलब अगर हम आर लेंगे तो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। और फोर्थ चीज इसमें है कि धारावाही अवयव तथा उस प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। मतलब कि वो जो हमारा अवयव होगा धारावाही चालक के ऊपर, वहां से हम एक प्रेक्षण बिंदु जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वहां से एक रेखा बनाएंगे, और उस अवयव और उस मिलाने वाली रेखा के बीच जो थीटा बनेगा, कोण बनेगा, जिसको हम ज्या बोल रहे हैं, साइन थीटा बनेगा, ज्या यानी साइन थीटा की बात हो रही है, तो साइन थीटा बनेगा, उसके ये समानुपाती होता है। अगर आप इसके डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इसके जो इसका डेरिवेशन है इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे, आपको एक मिनट भी नहीं लगेगा अगर आप इन चीजों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। पहली चीज कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो धारा के समानुपाती होता है। दूसरी चीज हमने ये देखा कि जो अवयव का, जो धारावाही अवयव होगा उसकी जितनी लंबाई होगी उसके समानुपाती होता है। और थर्ड चीज हमने ये देखा कि जो भी प्रेक्षण बिंदु और अवयव होगा उसके बीच दूरी के वर्ग के ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हमने ये देखा कि प्रेक्षण बिंदु और अवयव के बीच जो रेखा उन्हें मिलाएगी, उनके बीच जो भी कोण बनेगा, साइन थीटा बनेगा, उसके समानुपाती होता है। ठीक, तो चलिए अब हम इसके डेरिवेशन वाले पार्ट को करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एज इट इज इसको कॉपी में नोट कर लेंगे और इसे लर्न कर लेंगे। अगर आप इन चीजों को अगर लर्न कर लेते हैं तो आप आसानी से
इसका डेरिवेशन वाला पार्ट कर ले जाएंगे। ठीक, तो क्या है इसका डेरिवेशन, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो जो बातें हमने यहाँ पे लिखी थी बस उन्हीं का हम यूज करेंगे और ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं। तो हमने क्या किया, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी था एक धारावाही चालक का। तो हमने क्या लिया, एक धारावाही चालक ले लिया, ये हमने लिया कोई धारावाही चालक। धारावाही चालक यानी इन द सेंस आप समझ लीजिए, ये क्या हमने लिया, एक कोई तार ले लिया। अब ये कोई हमने तार ले लिया जो कि धारावाही चालक है, इसका एक छोटा सा अवयव जिसका छोटा सा टुकड़ा हमने लिया ऐसा। ठीक, इस छोटे से टुकड़े का जो अवयव है इसकी जितनी लंबाई है उसको हमने कहा ये क्या है, डीएल है, डीएल है। ठीक, यहां से इस पूरे धारावाही चालक में जो भी हमारा क्या फ्लो हो रहा है, धारा फ्लो हो रहा है, उसको हमने कहा आई। आई क्या है, धारा जो इसमें फ्लो हो रहा है। अब हमें एक जरूरत थी एक प्रेक्षण बिंदु की, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जिस प्रेक्षण बिंदु पे हमें ज्ञात करना था वैद्युत क्षेत्र, हमने यहाँ पे लिया एक बिंदु और इसको हमने पॉइंट दे दिया P, जहां पे कि हमको ज्ञात करना था क्या, हमें ज्ञात करना था वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र जो कि हम किसका ज्ञात कर रहे हैं, इसका ज्ञात कर रहे हैं, किसका, एक छोटे से अवयव का। तो एक छोटे से अवयव के लिए हमने यहाँ पे क्या नाम दिया इसका, डीबी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये जो बायो सेवर्ट नियम है ये छोटे से अवयव में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करता है। और इस छोटे से वैद्युत क्षेत्र का अवयव जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना पड़ेगा, डीबी। डीबी इन द सेंस ये क्या हमें बता रहा है, छोटे से अवयव का वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अब ये जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे डीबी आप दिखाए हैं, ये जो इसका जो दिशा होगा ये अंदर की ओर होगा। और हमने आपको बताया था जब भी हम दिशा को अंदर की ओर दिखाते हैं तो यहाँ पे हम क्रॉस का सिंबल लगाते हैं, और अगर बाहर की ओर दिखाते हैं तो डॉट लगाते हैं, बिंदु लगा देते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये जो हमारा प्रेक्षण बिंदु और यहां तक अवयव वाला जो दूरी है ये है आर है। ठीक, और इसके बीच में ये अवयव और ये वाली जो प्रेक्षण बिंदु को लाइन मिला रही है, इसके बीच में एक थीटा बनता है, एक कोण बनता है जिसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है हमारा, एक धारावाही चालक है, ये उसका छोटा सा अवयव, और यहाँ से एक प्रेक्षण बिंदु हमने बनाया जिसपे कि हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन वाला पार्ट। तो डेरिवेशन वाला पार्ट जब स्टार्ट करेंगे तो जितनी बातें आप लिखे थे वही आप यहाँ पे नोट करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र का हम हमेशा ये वेक्टर फॉर्म नहीं लेंगे, सदिश फॉर्म नहीं लेंगे, हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो हम इसको डीबी को मॉडुलस में रखेंगे। ठीक, किसी किसी बुक में डायरेक्ट डीबी किया है लेकिन देखा जाए तो वो गलत है। ठीक, क्योंकि हम इसका परिमाण निकाल रहे हैं और परिमाण को हम मॉडुलस में दिखाते हैं, मापांक में। तो ये दो लाइनें आप ऐसे बनाते चलेंगे। तो डीबी बराबर हमने पढ़ा था कि ये समानुपाती होता है किसके, आई के। इसके बाद हमने देखा था कि ये समानुपाती ही होता है किसके, इसके अवयव के लंबाई के। इसके बाद हमने देखा था ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच दूरी के, 1/r² वर्ग के। ठीक, और एक लास्ट चीज हमने चौथी पॉइंट लिखा था कि इस प्रेक्षण बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो अवयव के साथ मिलाती है वहां पे थीटा बनता है, और उसके साथ ये क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे समानुपाती साइन थीटा। अब इन सारे चीजों को आप इकट्ठा कर दीजिए, जब इन सारे चीजों को आप इकट्ठा कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इस अनुक्रमानुपाती को हमें हटाना है, तो हटाने के लिए हमें एक नियतांक लाना पड़ेगा। तो इस नियतांक को हम लाते हैं, और जो यहाँ पे नियतांक आता है उसको हम दिखाते हैं कैसे, म्यू नॉट, इसको क्या बोलेंगे, μ0/4π। μ0/4π क्या है, ये जो हम समानुपाती का सिंबल हटा रहे हैं उसका ये एक नियतांक है। जब आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पे μ0/4π आएगा, और ये सारी राशि वही रहेंगी, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये यहाँ पे हमारा बायो सेवर्ट नियम यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक,
ये बायोसेवर्ट नियम हमारा प्रूफ हो गया, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जाम में आपसे इसका सदिश स्वरूप पूछ लेता है। ये जो स्वरूप आप निकाले हैं ये है उसका अधिश स्वरूप है। अगर इसी चीज को आप सदिश स्वरूप में दिखाना चाहेंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन बनेगा यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर का स्क्वायर और इधर एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, ये आप क्लास 11th में पढ़े थे। अब जब इस चीज को आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका सदिश स्वरूप में यानी वेक्टर क्वांटिटी में जो इसका फॉर्मूला बन के आता है वो बन के आता है म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल इंटू आर वेक्टर ठीक अपॉन आर क्यू। तो ये फार्मूला बन के आता है। कब आएगा ये फार्मूला, आप कब लिखेंगे, जब उसका सदिश स्वरूप पूछता है। अगर सदिश स्वरूप नहीं पूछता है तो आप इतने पे ही खत्म कर देंगे, उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। आई डी एल इंटू आर वेक्टर ब्रैकेट बंद और नीचे क्या आ जाता है, आर क्यूब आ जाता है, जब आपको सदिश स्वरूप में लिखना होगा तो दोनों चीजें आप याद रखिएगा, याद करके एग्जाम में जाइएगा। और एक चीज इसमें और पूछ लिया जाता है कि ये म्यू नॉट क्या है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो म्यू नॉट है इसको हम बोलते हैं निर्वात में चुंबक शीलता। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे निर्वात में चुंबक शीलता। इस म्यू नॉट का जो मान निकलता है, इस म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। और जब इसका यूनिट आप निकालेंगे तो यूनिट इसका बनता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर किसका, निर्वात में चुंबकशीलता का मात्रक। तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लेंगे। तो ये था बायोट सेवर्ट का नियम। आगे इसका एक अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे जो कि वो भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र। बार-बार वैद्युत ही आ रहा है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ठीक। तो इसमें क्या होगा, ये एक बायोसेवर्ट का ही अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। इसमें हम ज्ञात करेंगे कि कोई हमारे पास वृत्ताकार धारावाही चालक है, जिसके केंद्र पर यानी सेंटर पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चलिए हम इस चीज की गणना करते हैं। तो हमने क्या किया, हम एक वृत्ताकार धारावाही लूप लेंगे। तो ये हमने बनाया वृत्ताकार धारावाही लूप ठीक। और इसके यहाँ पे इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। हमने दिखा दिया धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, धारा फ्लो हो रहा है घड़ी की दिशा में आई। इसका एक सेंटर होगा, केंद्र होगा, जहां पे हमें ज्ञात करना है डी बी का मान, यानी सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा ठीक। अब यहां पे एक छोटा सा हम अवयव लेंगे क्योंकि ये एक बायोसेवर्ट का अनुप्रयोग ही है और बायोसेवर्ट का नियम एक अवयव के लिए काम करता है। तो तब यहाँ पे हम एक अवयव लेते हैं, यहां पे मान लीजिए हम अवयव ले लिए ठीक। इस अवयव की जो लेंथ है, लंबाई है, वो है डीएल ठीक। और यहां से यहां तक का जो केंद्र है, यानी यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, आर। और इस केंद्र से इसका जो डीएल का जो रेखा यहां से आप बनाएंगे डायरेक्शन, वो इससे कितना बनाता है, ये इससे 90 डिग्री का थीटा बनाता है। तो एंगल कितना बना लिया, ये थीटा, कौन, डीएल, किससे, इस केंद्र से। तो अब ये डीबी की डायरेक्शन क्या होगी, तो डीबी की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। तो आप यहां पे क्या कर देंगे, एक्स ठीक। एक्स हमें बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, अंदर की ओर है। सारी चीजें यहां पे क्लियर हो गई ठीक।
अब हम लगाते हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम आप लगाएंगे, बायो सेवर्ट के नियम अनुसार। बायो सेवर्ट के नियम अनुसार क्या होता है, हमने फार्मूला पढ़ा अभी कि डीबी बराबर कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो थीटा का मान आप 90 डिग्री इसमें पुट कीजिए, आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 डिग्री होता है 1, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, डीबी। ठीक, अब हमें इस पूरे लूप का ज्ञात करना है। ये एक तो छोटे से अवयव का आया, छोटे से अवयव के लिए केंद्र पर, लेकिन हमें इस पूरे लूप का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ फिर क्या कर देंगे, हम दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, जब आप दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तब ये क्या होगा, ये DB बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब चूंकि एक बंद लूप है, ये पूरा एकदम पैक है, क्लोज्ड है, इसलिए हम इसको ऐसा दिखाते हैं, क्लोज्ड समाकलन। ठीक, बंद समाकलन ये बताता है कि ये लूप के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं। जब इसका समाकलन करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा b, और इस यहां पे हम उन्हीं चीजों का करेंगे जो चेंज होती हैं, जो कांस्टेंट यानी नियतांक राशि है उनको हम बाहर कर लेते हैं, तो बाहर आप करेंगे तो क्या निकलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और i अपॉन r निकल जाएगा, अंदर बचेगा कितना, डी एल। ठीक, तो अब हम डीएल का वैल्यू क्या रखें, अब हमारे पास ये है कि डीएल क्या रखें, तो डीएल के लिए हम इसका, इस बंद लूप का क्या रखेंगे, ये परिधि रखेंगे, सर्कमफेरेंस। ठीक, परिधि रखेंगे तो हमें पता है कि किसी वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो इसी वैल्यू को आप यहां पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 2 पाई आर। ठीक, बात समझ में आई, तो 2 पाई आर हो गया। अच्छा, यहाँ पे आर स्क्वायर था, ये मैं भूल गया, तो आर स्क्वायर ये चल रहा था ना, आर स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यदि आप चाहें तो एक आर से इसका आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, एक आर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास बचा बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, यही बचा। तो ये आ गया हमारे पास केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं पाई पाई को, जब आप पाई पाई को कैंसिल कर देंगे तब आपके पास, मतलब ये भी सही है, ऐसा मत समझिएगा कि गलत है, ये भी सही है, लेकिन अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर वी म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, नीचे बच जाएगा 2 और ये r बच जाएगा और इधर से i बच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट i अपॉन 2r, क्योंकि ये 2 2 4 होता है, तो यहां से 2 से काट दिया इसको, ये तो ये था बायो सेवर्ट का अनुप्रयोग किसके लिए, किसी धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो आप दोनों डेरिवेशन एकदम अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में इनके आने के चांसेस 100% के करीब ही है। सो दिस मच, थैंक यू।